दोस्तों लावा अग्नि 2 को लेकर काफ़ी हाइप बना हुआ था और लावा अग्नि 2 को लेकर सेल्स के लोग लगातार वेट करते रहे थे। अब इसी भी सब लावा अग्नि 2 को लेकर एक पहला अपडेट निकल कर आ चुका है और इस अपडेट में काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें भी एक हाइप बन रहा है कि जो कि लावा अग्नि 2 का बग्स को लेकर। वैसे लावा अग्नि 2 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में देखने को मिल रही है, काफ़ी लोग ऐसे भी शेयर कर रहे हैं कि लावा अग्नि 2 में जो है कि बग्स आ चुका है, लावा अग्नि 2 में काफ़ी चीज़ें दिक्कतें देखने को मिल रही है इस अपडेट के साथ। तो एक चीज़ बता दो कि अब लावा अग्नि 2 का अभी तक ये जो पहला अपडेट मिला है ये मई के महीने का सिक्योरिटी पेज देखने को मिल रहा है। इस अपडेट्स में कह सकते हैं लावा अग्नि 2 को काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह तक देखने को मिल रहा है, ब्राइटनेस वगैरह देखने में ऑप्टिमाइजेशन करने को मिल रहा है और पूरी तरह सेटिंग वगैरह ऑप्टिमाइज़ के देखने को मिल जाएगा इस लावा अग्नि 2 को। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह रही कि इसको केवल सिक्योरिटी पैच के तौर पर ही अपडेट किया जा रहा है। अब इसमें को लेकर काफ़ी जो लोग की बता रहे कि दिक्कतें आ रही है, लेकिन कई लोग की वीडियो भी देखने को मिला है कि लावा अग्नि 2 में जो कि है बग्स को फिक्स भी किया जा रहा है, जो प्रॉब्लम में दिक्कतें थी और उसका फिक्स किया जा रहा है। ऐसे में एक लावा कर्व डिस्प्ले के लेकर ही फेमस था कि पर लगकर इसमें कर्व डिस्प्ले वगैरह चीज़ देखने को मिली थी, इस चीज़ लेकर था। तो ये रहा कि लावा अग्नि 2 के कुछ ऐसे फीचर्स के साथ अट्रैक्टिव फीचर देखने को मिल रहा था जो कि आपको 50 MP का कैमरा देखने को मिल जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव देखने को मिल जा रहा था और कर्व डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इसमें अग्रेसिव है जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिल रहा था। कह सकते हैं ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा लोगों को अग्रेसिव किया है और काफ़ी कई स्मार्टफोन को टक्कर दिया है। बिकॉज ये है कि इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है जो कि कम बजट के अंदर। ऐसे में है कि आपको कर्व डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले और सब कुछ देखने के साथ में आपको सब कुछ देख रहने के बावजूद भी इसमें आपको स्मार्टफोन की कीमत 20 से 22 हज़ार रुपये तक देखने को मिली। अब 20 हज़ार मैंने इसलिए बोला कि ऑफर के तहत इसमें 20 हज़ार रुपये इसे देखने को मिला था और वही बात करें इसे जब इसे ऑफर नहीं मिला 22 हज़ार रुपये इसकी प्राइस ओरिजिनल देखी गई। इसमें 66 वाट का आपको फास्ट चार्जर वगैरह देखने को मिला था और इसमें प्रोसेसर MediaTek का Dimensity का प्रोसेसर जो कि 750 का प्रोसेसर देखने को मिला था, जो कि कह सकते हैं इंडिया में पहला स्मार्टफोन जिसे 750 का प्रोसेसर देखने की यूज करने के मिल गया था। तो लावा अग्नि 2 काफ़ी ज़्यादा शानदार स्मार्टफोन देखने जाने वाले में से एक है स्मार्टफोन है। तो ऐसे में बताइए कि आप इस स्मार्टफोन के ऑनर है तो स्मार्टफोन को अभी अपडेट किए हैं तो कैसे बताइएगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है कमेंट्स करके बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।